दोस्तों इस वीडियो में मैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जाकर एक एक डिपार्टमेंट दिखाऊंगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा काम होता है, पूरा घूमकर एक एक डिपार्टमेंट दिखाऊंगा और पूरा मिथिला यूनिवर्सिटी का दृश्य दिखाऊंगा, कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है। और बहुत लोगों को मिथिला यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता पता नहीं होता है, तो मैं दरभंगा रेलवे स्टेशन से मिथिला यूनिवर्सिटी तक का रास्ता बताया हूँ एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अगर चाहें तो उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यह यूनिवर्सिटी कैंपस का ही एक चौक है और यहाँ से मिथिला यूनिवर्सिटी चलेंगे और एक एक डिपार्टमेंट देखेंगे और पूरा मिथिला यूनिवर्सिटी घूमकर देखेंगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा काम होता है। आगे का वो रास्ता है जिसमें मोटरसाइकिल जा रहा है, उस रास्ता से हम मिथिला यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। यह डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामाटिक्स लिखा हुआ है और यह गोलंबर है, इसमें एक स्टेचू लगा हुआ है। इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये शायद भीमराव अंबेडकर का स्टेचू है। तो इस गोलंबर के उल्टी साइड में आगे से एक गेट है, वही गेट है एंट्री करने का। अभी पूरा यूनिवर्सिटी बंद है, मैं 10 बजे से पहले ही आ चुका हूँ, 10 बजे खुलने का टाइम होता है। यह भी एंट्री करने का गेट है, बोर्ड में लिखा हुआ है सुरेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन इसमें एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं इस गेट से एंट्री करता हूँ और लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे आप, एक मैदान है। और एक बात और बता दूं कि मिथिला यूनिवर्सिटी 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग में ऑफिशियल काम होता है और दूसरे भाग में रेगुलर पढ़ाई होता है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास होता है। सामने वो गेट दिखाई दे रहा है, वो इस कैंपस से बाहर निकलने का गेट है और उससे पहले ही इधर राइट साइड में यूनिवर्सिटी घुसने का गेट है। तो पहले मैं वह बाहर वाला गेट से बाहर निकलकर थोड़ा बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ और फिर वापस अंदर आकर इस यूनिवर्सिटी में घुसेंगे और दिखाएंगे। तो यही है बाहर का दृश्य, अब वापस यूनिवर्सिटी के अंदर चलता हूँ। तो पहले ऑफिशियल एरिया दिखाता हूँ, उसके बाद फिर रेगुलर एरिया में चलूँगा। यही है मेन गेट, इसके अंदर घुस कर लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो हम गेट के अंदर घुस गए हैं और ये रोड जाकर थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर राइट टर्न लेंगे। यह राइट साइड में जो बिल्डिंग है यह मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, ये सारे ऑफिशियल एरिया है। आगे राइट साइड टर्न गया है, उसके लेफ्ट साइड में कोना पर स्टेट नोडल ऑफिसर का ऑफिस है, यही है स्टेट नोडल ऑफिसर का ऑफिस। अब यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ और सीधा चलता हूँ। यह एग्जामिनेशन सेक्शन है, यहाँ सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट वगैरह दिए जाते हैं और करेक्शन भी किए जाते हैं। बायां साइड में आप देख पा रहे होंगे पोखर है, तो पोखर के चारों तरफ घूमकर दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा एरिया में है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, भर दिन अगर घूमता हूँ तब भी खत्म नहीं होगा। राइट साइड में ग्रिल के उस पार भी कार्यालय है, यहाँ से सीधे आगे जाने के बाद फिर वही एग्जामिनेशन सेक्शन आ जाएगा। और यूनिवर्सिटी के इस एरिया में लगभग मुख्य चीज़ें दिखा दिया हूँ, यह एग्जामिनेशन सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेक्शन में इंक्वायरी भी ले सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछताछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से निकल कर यूनिवर्सिटी के दूसरे विभाग में चलता हूँ जिसको रेगुलर कहते हैं, जहाँ पर कॉलेज वगैरह होते हैं, पढ़ाई होते हैं। तो यह वही चौक है जहाँ से मैं बायां मुड़कर यूनिवर्सिटी में गया था। तो अब राइट साइड में जो श्यामा माई का मंदिर है, ये रोड सीधे पकड़कर दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना है। उस यूनिवर्सिटी से निकलकर आप डायरेक्ट भी उधर जा सकते हैं श्यामा माई के मंदिर के गेट से होते हुए। तो मैं दिखाने के लिए इधर आया हूँ और यहाँ से चलता हूँ। तो यह जो गेट दिखाई दे रहा है इसमें एंट्री करके सीधे जाना है।
ये दाहिना साइड में जो आप देख रहे हैं यह लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर इस गेट में घुस चुका हूँ और यह जो देख रहे हैं यह कैंटीन है। अब यहाँ से आगे चलता हूँ, ये नरगोना प्लेस है। यह बोर्ड लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कौन सा सब्जेक्ट किधर पढ़ाया जाता है और रास्ता भी दिखाया गया है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है यह। यह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है। अब इस तीनवट्टी से लेफ्ट जाता हूँ। ये राइट साइड में फॉरेन लैंग्वेज का संस्थान है, इसमें विदेशी भाषा सिखाया जाता है। यह डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर का बोर्ड लगा हुआ है जो कि राइट साइड में है, और यह डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस का बोर्ड लगा हुआ है जो कि राइट साइड में है। यह लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। अब यहाँ से फिर राइट मोड़ कर चलता हूँ आगे। यूनिवर्सिटी के अंदर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और यह मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर लग रहा है। यह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन भवन है, तो इसके अंदर का थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। अब यहाँ से आगे चलता हूँ। यह रिसर्च सेंटर है, एडवांस रिसर्च सेंटर। इस गेट से निकला हूँ, अब चलता हूँ कैंपस से बाहर। यहाँ से मैं सीधे निकल जाऊँगा जहाँ से मैं घुसा था, कैंटीन के पास से। तो ये वही कैंटीन है और लेफ्ट में मेन गेट है निकलने का। और लेफ्ट साइड में वही लाइब्रेरी है, और सीधा आगे जाकर गेट से बाहर निकल जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।